Search Board presents Dog of War, the final verdict with Girish Suri. क्या जो जलंधर में रहे उसका असर था और उसका पूरी तरह से हिमाचल के ऊपर उसका दुरुपयोग किया। हिमाचल के लोग जो है शालीन है, सबको जी जनाब से बात करते हैं, सद्भावना रखते हैं। ये पहले रहा, मगर पहली दफ़ा एक नई चीज़ हिमाचल में इंट्रोड्यूस हुई, वो थी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करना। अभी आप जानते हैं प्रेम कुमार धूमल कहते हैं कि कांग्रेस सरकार मेरे ऊपर मुकदमे चला रही है, उसके लिए वीरभद्र सिंह जिम्मेवार नहीं है। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो दिल्ली में था, केंद्र में था, केंद्र में मंत्री था उस वक्त। यहाँ पर प्रेम कुमार धूमल जो है वो मुख्यमंत्री थे और यहाँ पर विपक्ष में हमारे कांग्रेस के नेता थे। उस वक्त जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो ठाकुर कौल सिंह थे। उन्होंने जो है एक चार्जशीट कमेटी फ्रेम की फॉर एक्ट ऑफ ठाकुर कौल सिंह जी। हाँ, और उसको चार्जशीट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया जीएस बाली को, उसमें और भी मेंबर थे। उन्होंने उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए और ये कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। तो मैं तो उस वक्त दिल्ली में था, मैं तो हिमाचल में आने का मेरा कोई विचार ही नहीं था। चुनाव से पहले मुझे हिमाचल भेजा गया पीसीसी का अध्यक्ष बना के। उसके बाद मेरे नेतृत्व के नीचे ही जो है वो चुनाव लड़े गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और मैं मुख्यमंत्री बन गया। अब हमारे फिर कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्ट वो बना, घोषणा चुनाव घोषणा पत्र बना, वो मैंने नहीं बनाया, उसके चेयरमैन थे आनंद शर्मा, वो दिल्ली में बना। उन्हें कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हम जो हमने चार्जशीट दिया है उसकी इंक्वायरी करेंगे। The Search Board presents Dog of War, the final verdict.